तुझे मार दिया चाय। घर वाली बाहर वाली, तारी की नाक में लगाना, चलना नहीं अब है। तुम डरती क्यों हो मुझसे, मार दूंगा। यहाँ पर पापा जी ने होममेड डलिया बना के कर दिए, बिल्कुल तैयार, बिल्कुल लास्ट प्रोसेसर बचा है। यहाँ पर साइट की बाउंड्री बन रही है उसकी, कल से लगे हुए थे पापा जी और फाइनली आज सुबह में कंप्लीट हो गई है। ये देखिए ऊपर से देखने में कुछ इस तरह की डलैया है, और जो ये वाली बेंत है इसको भी अभी कंप्लीट होगा ये दोनों साइड से। और पापा के दांत में हो रहा था कल बहुत तेज दर्द, जिसके कारण ये डलैया कंप्लीट नहीं हो पाई। अभी सही है दांत में दर्द, अब ना है तो अभी पापा जी को भी आराम है और डलैया का काम चल रहा है। और यहाँ पे पाइप लगी हुई है काम पे, रोटी वगैरह बना दी है, चावल भी बना दिया गया है और दूध को रख दिया है आग पे, और प्रोसेसिंग चल रही है साफ सफाई की। देखो धमका रही है, मार दूंगी, मुझे साफ सफाई करने दो भाई, करने दो, अरे करने दो भाई, करने दो। क्या हो रहा है बेबी, मेरा लेंस बहुत महंगा है, टूट गया ना तो तेरे जेबर भेज दूंगा, जेबर। क्या बोला तूने? और फाइनली काम मिल गया, ये हरे छिलके आलू के छिलकों को डाल के आना है गाय के पास, लेकिन छिलके देंगे हम बकरी को, क्योंकि गाय तो खा लेती है गीला चारा, बारिश हो ही रही थी सुबह तो बकरियों को चारा मिला नहीं, तो ये बास रही थी और छिलके हैं तो ये भी खा ही लेंगी छिलके। चलो खाओ मुनमुन फटाफट। और ये सामने साली आ रही है हंसते हुए, इन्हें होमवर्क मिला था बर्तन साफ करने का और बिल्कुल ही चमका के लाई है बर्तन। घर वाली बाहर वाली, इनकी हेल्थ देखो और इनकी हेल्थ देखो बिल्कुल कैचू की तरह रेंग रही है और ये हाथी की तरह चल रही है दिख दिया ना फायदे बताओ इसके ये देसी घी का कमाल है और वो विदेशी घी का कमाल गजब बेइज्जती है। तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ नौकरानी खुद बनी हुई है। देखो देखो कैसे चल रही है, कैसे चल रही है, देखो देखो आज क्या हो गया है क्या हो गया है बाबू, आज क्या हो गया, मार दूंगा, मार दूंगा, निकल ले इधर से अभी और छेड़ते हैं इसे, फिर देखना इसका गुस्सा आसमान पे। बाबू कितने गंडे लाने वो बोर्ड बेकार है टीनू, नीचे मारो वो, नीचे आ रहे में कहाँ इन्वर्टर कनेक्शन, तो लाइट तो है ही, तो लगा दे सारी की नाक में लगाना, प्लग भूल गो का जय में लगाऊंगा मैं, अरे सारी की नाक में लगाना जल्दी चार्ज जाओ सुपर फास्ट चार्जर बहुत जल्दी। साली हमारी आहिस्ता भी की, और उनके गांव में शेर ने खा दिया है एक इंसान को, टीनू आया था अभी बता के गया और फोटो भी दिखाए हैं, बिल्कुल धड़ अलग कर दिया है गर्दन में से, दिखाएंगे आपको, आप डर ही जाओगे, उसे सस्पेंस ही रहने दो। और आज होने वाला है सूट का भी पोस्टमार्टम, लगा ले प्रेस, अब तो पोस्टमार्टम हो ही रहा है इसका, दिखा तो सूट कितनी अच्छी लग रहा है, साली के ऊपर तो क्यों नहीं लगेगा प्यारा, देखो देखो कितना सुंदर ना, ओ यार लग रही हूँ मैं सुपर फ्लॉप अच्छा
ओम फो। तो गाइस मैं अभी यहाँ पे सो रहा था और बाइक मुझे आई और ले जा रही है बगीचे में घुइया के पत्ते काटने के लिए, क्योंकि आज बनने वाला है साग घुइया के पत्ते का। लेकिन दोस्तों अकेले जा नहीं रही है, तो वैसे ही मैं काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ उसके साथ कुछ नया करने की। चलना नहीं है अब, चलना नहीं है अब, चल जल्दी चल चल, अब अभी तक क्या मुझे बार बार जाना है, चल तेरी में ना। हाँ तेरी है ना, पूंछ काट दूंगी अभी, रॉकी को कहूंगा ये रॉकी ये तेरी पूंछ काटने लिए कह रही है, इसके हाथ का खाना मत खाना, समझ रही हो समझ रही हो समझ रही हो। तो अभी हम लोग आ गए हैं बगीचे में और ये लग गई है यहाँ पे घुइया के पत्ते काटने। तो मैं अभी आपको बताता हूँ ये बगीचे पे आने से क्यों डर रही थी। दोस्तों जो ये जगह दिख रही है आपको, जो ये कंपोस्ट के साइड में, कल यहाँ पे बहुत ही लंबा सा नाग था यहाँ पे, जिसके कारण मम्मी यहाँ पे डर गई। मम्मी ने दूर से देखा, सोचा ये लकड़ी है, लेकिन बहुत देर से गौर से देखने के बाद लगा नहीं ये सांप है। तो उस पर हल्का सा पत्थर फेंका और वो भाग गया, जिसके कारण ये अकेले आने पे डर रही थी। और अभी ये स्टार्ट हो गई है अपने काम पे। और ये देखिए पापा जी ने जो आज कंडिया बनाई है, जो आपने सुबह देखा था, ये लेके आई नई वाली कंडिया, बोले तो डलिया भी बोल सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो गई है आज बन करके। तो अभी काम फटाफट कर रही है ये फिनिश, क्योंकि यहाँ पे मच्छर काटते हैं बहुत तेज। ये इस साइड पे हम लोगों ने घुइया लगा रखी है, ये हल्दी लगा रखी है। हल्दी के पत्ते देखिए कितने बड़े बड़े हो रखे हैं। और इसके जस्ट साइड में अदरक बो रखी है, लेकिन अदरक खराब हो गई है, अदरक बैठी नहीं है इस पे, अदरक बहुत कम निकल रही है यहाँ पे। ओ माँ मच्छर काट दिया पैर में, ओहो कैसे खुजलाऊं। तो गाइस फटाफट करते हैं काम फिनिश। और हमने बगीचे में जस्ट साइड में नल की व्यवस्था भी कर रखी है, जिसके कारण हमें नल में पानी की दिक्कत ना हो और साग सब्जी आराम से लगा सकें। और जस्ट साइड में हमारा खेत है बगीचे के, जिसे आप देख सकते हैं बिल्कुल ही फसल किस तरह ख़राब हो गई है पेड़ों के साइड साइड में, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल छाया रहती है। तो दोस्तों फसल भी बिल्कुल पक ही गई है, कुछ दिन बाद कंपेन चलेंगी और कंपेन का भी व्लॉग आएगा हमारे चैनल पे। इतने सारे मच्छर ने काटा बगीचे में, इतनी सारी भूपसी ने काटा, बिल्कुल पैर लाल हो गए खुजला खुजला करके। और अभी हम लोग लेने वाले हैं इसके साथ बिल्कुल खतरनाक वाला बदला। वैसे भी लेड हड्डी नहीं जीत पाएगी मुझसे। तुम डरती क्यों हो मुझसे, मैं क्या हुआ हूँ सो खा जाऊंगा तुमको। अबे यहाँ पे पितौला बनाने का प्रोसेस जारी हो गया है। पत्तों को धुलने के बाद, ये देखिए पत्तों को बिछाने के बाद उस पर आटा का जो चून होता है, मतलब आटा चून नहीं, मतलब चावल का जो आटा होता है उसका लेप लगाया जाता है, और उसके ऊपर पत्ते रखे जाएंगे, फिर आटा का लेप लगाया जाएगा, फिर पत्ते रखे जाएंगे, फिर आटा का लेप लगाया जाएगा, फिर इन पत्तों को बंद कर दिया जाएगा। फाइनली खाना हो गया तैयार। तो गाइस देखिए पितौले कितने सुंदर दिख रहे हैं ना अंधेरे में, काले काले, और चावल दाल। क्या लाएगी, घी? घी खाना है, घी खा के मोटी नहीं होना है क्या? घी भी आ ही गया है डालने के लिए। खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। गाइस अभी खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग अपने एडिटिंग में बैठ गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को रखते हैं इतना ही, वीडियो वैसे भी काफी लंबी हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने भी काफी एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो देखते तो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।